Hello everyone. Good evening. Welcome back to my channel. Welcome back to my today's vlog. मतलब ऑलमोस्ट दो या तीन दिन बाद में ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप अभी लास्ट वाले ब्लॉग देख रहे थे, हम लोग गाँव गए थे और फिर उसके बाद मैंने मतलब जयपुर आए हुए हैं, दो तीन दिन हो गए, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं है क्योंकि थकान ही हो गई थी। और फिर मतलब अभी बस सोचा कि ब्लॉग है तो अभी क्यों बनाना है, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अभी हम आए थे थोड़ा बाहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, इसलिए वैसे आपको नॉइस आ रहा होगा बाहर का क्योंकि विंडो खुली है, बट इट्स ओके। और हाँ, मतलब कि मैंने भी लास्ट दो ब्लॉग डाले हैं, आप लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, काफ़ी अच्छे कॉमेंट भी कर रहे हो, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। जैसे इतना प्यार दे रहे हो उसको और बढ़ा के और दुगना प्यार दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और सच में टच वुड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब पहले के मुकाबले मेरे ब्लॉग्स पे अब डबल व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसे व्यूज़ आते हैं ना तो फिर आपका मन करता है कि और ब्लॉग बनाएं और कंटेंट दें, इसलिए थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट भी इतने प्यारे प्यारे करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप सब, उसी के लिए भी थैंक यू सो मच। और हाँ, मतलब लास्ट दो या तीन ब्लॉग के मैंने कमेंट भी लीड नहीं किए, तो मैं शायद इस ब्लॉग में कंटिन्यू करूँ और देख रहे हैं कि ब्लॉग कितने दिन चलता है। वैसे क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट तो कर देती हूँ बट फिर उसके बाद वो दो तीन दिन चलता जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जल्दी फिनिश करके जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर मैंने सोचा है कि मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं एक दिन का गैप देके ब्लॉग डालूँ या डेली ब्लॉग डालूँ। वैसे आप लोग तो यही बोलोगे कि डेली ब्लॉग डालो, तो इसलिए बस तीन ही तुमने तो करना। वैसे मैं कहूँ कुछ करने के आप खुश हो जाओ, पलक लाऊं पलक थोड़ा, फिर पालक को नहीं खाएगा तो सब्जी लेके आए हैं। अच्छी अच्छी लाए हुए भिंडी लाए, तो भिंडी देखो कच्ची कच्ची है ना, तुम खाना भिंडी तो खिलाओ भिंडी, अपन तो खाते नहीं भिंडी बेटा, हम खाते हैं जी भिंडी। ये काज बंद करो यार, हल्की आवाज आ रही है, हल्की आवाज आ रही है नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं फोन करेंगे उसके बाद पता चलेगा। अच्छा अभी हम फोन करेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ओके तो अभी हम जा रहे हैं झुटपड़ा। ओके बार पे जा रहे हैं, बार पे हमारा बार भी है हमारी शॉप भी है, हमारा बार भी है, सब हमारा है। अभी दिखाएंगे आपको हम हमारा बार भी, नया खुला है, ओपनिंग नहीं हुई ना अभी, अब होगी ओपनिंग तब। ई रिक्शा वाले बहुत गंदा चलाते हैं, तो दिखाते हैं हम आपको हमारा बार, मिलते हैं हम आपसे बार पे। अच्छा आज इनसे तो मिल लो, हेलो कर दो तो चलते हैं। लोग लगा दो गाड़ी में, जाती है ऐसे, ये लाइट अपने मिलखाने लग रही है सर, ये मिलखाने लग रही है। हाँ चढ़ते एक फ्लोर तो चढ़ना ही पड़ेगा, वैसे लिफ्ट भी है ये देखो। ऑप्टिमिस्ट बियर फॉर रेस्टोरेंट एंड बार, अरे ये पोस्टर अच्छा लगता है। अरे इधर चला दिया क्या, लेकिन यार ये पर्दा अच्छा नहीं लगा है अभी तक, यार ये लोगो अच्छा लगा है ये वाला ना, हाँ मस्त लग रहा है। वार भी लगा दिया क्या लाइट वाला, हाँ अब अच्छा दिख रहा है यार। अच्छा
प्रोजेक्टर अच्छा ऊपर टंगा दिया क्या प्रोजेक्टर? ये जला जला लाइट जला। है ना, अरे मिल्खा की क्रिएटिविटी देखो क्या क्या लगाया है इसने। मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट कैन इट कैन बाय बियर, व्हिच इज प्रीटी मच सेम थिंग। वाह यार पेड़ मस्त लगाए तूने ऊपर, छोटे 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 ऐसे क्या ओल्ड वरी बियर हैप्पी टेक्निकल बियर इज सॉल्यूशन। वाह this beer need beer is here this beer need beer ये ऊपर वाले देखो ऊपर वाले मस्त लगाए ना मिल्खा की कलाकारी है सारी ये मतलब ये वो तो है अपने ये रवि क्या लिखा है ए keeps the doctor away। पूरी क्लीनिंग के साथ है हमारा किचन है देखो नया वाला है सारा। अच्छा है तो हमने हमारी गाड़ी तो दे दी और हमने ले ली पुरानी कार ले ली दे दी नहीं हमको हमारी गाड़ी सर्विस पे डालनी थी तो इसलिए आज पुराने सारे बैठे हुए तो बाहर की भी आवाज आ रही है ना आपने कांच खुला है ना आपका कांच तो खुला है आपका मारा है कल रात का शॉट दिखा था तो अर्णव भाई से आ गए थे हमारे पास और ये देखो मजा अर्णव भाई जो को बहुत चाले मचल मचल खा गए
ओले 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 बचना ओले बचना। तुम्हारे आर्णव भाई चको ना बहुत सारे मच्छर खा गए और इनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तब भी तो ये उदास उदास छोड़ लिया ना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे रूम में फोटोज भी लग गई। वेट, वो हमारे रूम में ये वाली फोटोज लगवाई है हमने। अच्छा आपको ही दिखाऊं? ओके अभी आपको दिखाते हैं। रुको, तो दो तो ये वाली फोटोज है प्री वेडिंग की, मतलब तीनों ही प्री वेडिंग की है, एक ये और दोनों ये। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कैसी लगी और हम कैसे लगे आप लोगों को, है ना? हम कैसी लगी, है ना? क्या देख लियो आप, क्या देख लियो? तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो चलते हैं बाहर और फिर दिखाते हैं आपको भी। ओके चलते, चलो 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 चलो। जाम जाम, ये हमारी नानी, ये हमारी दीदी बैठी है। और ये कौन बैठा है? ये कौन है? हम बैठे हैं ना, है ना? हम बैठे हैं। कहाँ जा रहे हैं अपन दोनों? ट्रैफिक हो रहा है, सबको बता दो ना, सबको बता दो अपन कहाँ जा रहे हैं, बता दो। दिख भी रहे हैं, देखो। हाँ हम दिख रहे हैं ना, तो लीजिए। तो कहाँ जा रहे हैं अपन, बता दो सबको। घूमने जा रहे हैं हम, घूमने जा रहे हैं, घूमने बाहर। देखने में बिजी है। हेलो एवरीवन, तो मैंने आपके लास्ट तीन ब्लॉग हो गए, तीन ब्लॉग के बाद मतलब मैंने आप लोगों के कोई कमेंट रीड नहीं किए और आप लोग मुझे कमेंट में वापस कमेंट करने लग गए कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई आपका ब्लॉग के थ्रू करती हूँ, मतलब मैं कमेंट में आपके कमेंट लाइक कर देती हूँ बस, और मैं वहाँ रिप्लाई नहीं करती, मैं ब्लॉग के थ्रू रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड थी कि आप ब्लॉग के थ्रू हमारे कमेंट का रिप्लाई किया करो, हमें अच्छा लगता है। तो ये है उस ब्लॉग के नीचे कमेंट, जो मतलब ये वो वाला ब्लॉग है जो मतलब आज बनाने करीब ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो इस ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच, और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इसके बाद मैं ब्लॉग के कमेंट रीड कर लेती हूँ। तो एक भाईसा ने मुझे, नहीं भाईसा ने नहीं बोला, ये कोई बीपी गेमर करके है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी स्लीव्स लंबी नहीं है, मतलब मेरी स्ट्रेस की। तो वैसे मैं बता दूँ कि मुझे ना स्लीव्स लंबी पसंद है, वो तो मेरी सिलने वाले ने मेरी स्लीव्स थोड़ी छोटी कर दी और स्ट्रेस की बहुत अच्छी स्लीव लगती है मुझे। तो सबकी अपनी भी पसंद है, कोई लंबी पहनता है कोई छोटी पहनता है, ऐसा है। और टैलेंटेड भाईसा का कमेंट है, थैंक यू फॉर बेस्ट विशेज फॉर माय फ्यूचर, थू थू नज़र ना लगे आप दोनों की जोड़ी को, थैंक यू सो मच। और प्रियंका उदावत का है, नाइस लव यू, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में है नाइस जोड़ी जीजा जियोसा, थैंक यू सो मच। और हाँ एक कमेंट ये भी आया है कि आप कमेंट्स बहुत जल्दी रीड करते हो जीजा, थैंक यू सो मच। अभी मुझे लास्ट दो ब्लॉग में, मतलब मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, मतलब ससुराल वाले ब्लॉग्स में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कोई किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एक साथ सभी कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो नेक्स्ट है कि जीजा जियोसा आप घूमने जा रहे हो क्या, शॉपिंग इसलिए की है ना? नहीं, अब तो आप लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ गए थे। जीजा मैंने भी आपको देख के यूट्यूब स्टार्ट किया है बट व्यूज़ नहीं आते हैं, आप प्लीज़ मुझे कुछ आइडिया दो ना ताकि मैं भी ग्रो करूँ। आइडिया ये है कि आप पहले मेरे भी कोई व्यूज़ नहीं आते थे, अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो उस पर भी इतने कुछ खास व्यूज़ नहीं थे, बस हज़ार हज़ार ऐसे ही व्यूज़ आते थे। बट ये है कि जब आप लोगों को पसंद आने लगते हो तो आपके व्यूज़ अपने आप आने लग जाते हैं और आप अपने चैनल पर कंटिन्यू रहते हो तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने चैनल पर कंटिन्यू रहो। और सोना महेंद्र सिंह ने लिखा है, जोधपुर साइड का कोई टूर हो तो बताना, मैं आपसे मिलने आऊँगी। जरूर भाई साहब, जरूर बताएंगे आपको। एक कमेंट आ रहा है, जीजा साड़ी कलेक्शन पर वीडियो बनाओ ना, तो बनाऊँगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जैसी राजपूती आधी ड्रेसेस मम्मी के वहाँ हैं आधी यहाँ हैं, और तो वैसे ही मेरे पास आधी साड़ीज यहाँ हैं आधी मम्मी के पास है। तो कभी मतलब जब एक जगह दोनों मैं होगी तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं वीडियो के लिए या तो यहाँ लेके आऊंगी या वहाँ लेके जाऊंगी। तो इसलिए, और
ये शिखात का कमेंट है, जीजा मेरी एग्ज़ाम चल रही है लेकिन मैं टाइम निकाल कर आपको वीडियो ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को, आप दोनों बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। सविता शर्मा ने लिखा है कि अच्छा बड़ी मम्मा सो स्वीट, अच्छा वो चीकू भाईसा ने बड़ी मम्मा कहा था, हाँ वो बहुत प्यार से बोलते हैं बड़ी मम्मा। और शिवानी राठौर ने लिखा है जीजा एक आपका रूम टूर भी लाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जल्दी लाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे रूम में थोड़ी फोटोज़ लगी है आज, और भी मतलब धीरे धीरे मेकओवर होगा, मतलब चेंजेस होंगे, तो उसके बाद में मतलब अच्छे से मैं चाहती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से मेरा रूम डेकोर करके फिर मैं आप लोगों को रूम टूर दूँ। और भवानी राठौड़ का कॉमेंट है आप दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो, डेली ब्लॉग बनाया करो, थैंक यू सो मच। और उसके बाद में है हाँ जीजा हम भी शेखावत है जीजा। अच्छा मतलब एक सवाल बहुत आ रहा था कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि मतलब मेरे पापा और मेरे भाई के बारे में, तो देखो मतलब मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है, मैं हर Q&A मतलब हर ब्लॉग में ये इस सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो आप लोगों ने अगर Q&A वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसमें जाके देखिए, उसमें मैंने मेरे पापा के बारे में बता रखा है और मेरे भाई के बारे में बता रखा है। तो प्लीज़ आप मतलब बार बार इस चीज़ के लिए कमेंट मत किया कीजिए, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और वैसे मैंने इस चीज़ का जवाब दे दिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ Q&A वीडियो जाके देख लो। और एक भाई से ने लिखा है राजकुमार ने लिखा है मैंने तो आपके शेखावत होने पर ही सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि मैं शेखावत हूँ, थैंक यू सो मच। और भगवती सेन ने लिखा है आपके सगाई होने के बाद हाथों में एक एक कंगन पहनते थे क्या दी रेगुलर? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं एक एक नहीं, जो ये मेरी प्लेन वाली रेड चूड़ियाँ हैं दो, मैं ये दोनों हाथों में दो दो चूड़ियाँ पहनती थी। जब मेरी सगाई हो गई थी उसके जस्ट बाद ही मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। और नेक्स्ट है कि ब्राउन ड्रेस ब्यूटीफुल ड्रेस है, थैंक यू सो मच। उस ड्रेस के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने ये ड्रेस कहाँ से ली, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि आपने ये ड्रेस कहाँ से ली। तो ये ड्रेस मैंने वैसे झोटवाड़ा से ली थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था उस ब्लॉग में कि मैंने ये ड्रेस झोटवाड़ा से ली थी, और अब तो शायद मुश्किल ही मिले क्योंकि उस ड्रेस को खरीदे हुए 3-4 साल हो गए, तो इसलिए। और मतलब इसमें यही कमेंट ज़्यादा है जी, आपके भाई क्या काम करते हैं, आपके भैया क्या काम करते हैं, तो ये सब मैंने बता दिया है, प्लीज़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लो। दी आपकी ओडियोसा की फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करो, मैंने कर दी भाई साहब, मैंने आपका कमेंट देखते ही कम्युनिटी पोस्ट में हमारी फ़ोटो पोस्ट कर दी थी। और ज्योति ने लिखा है ओके अब एग्ज़ाम के बाद ही जीजा, ड्रेस मस्त थी आपकी, थैंक यू ज्योति। और जीजा आपकी वॉइस बहुत अच्छी है एंड यू आर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, ये मेरे को मेरी वॉइस के लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बट मुझे नहीं लगता है, होता है ना कि आपको अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगती है, आप सबको अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, बट अच्छी है तभी लगती है। और उसके बाद है नाइस भाभी सौकम, ज्योति ने लिखा है जियोसा से ही स्टार्टिंग करवाया करो जीजा, मस्त करते हैं वो, ट्राई करूँगी। बहुत सुंदर ब्लॉग, थैंक यू सो मच। जीजा हुकुम क्या आपको सिलाई और मेहंदी आती है क्या? मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुझे सिलाई नहीं आती तू क्या ही करेगी, प्लीज़ बताइएगा जरूर। ये लिखा है आर के शिखावत ने, नहीं मुझे कोई सिलाई नहीं आती ना मुझे मेहंदी आती, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिलाई मेहंदी आती तो ये आप जीवन में कुछ कर सकते हो, नहीं टैलेंट तो बहुत सारे हैं आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा ब्लॉग है जीजा, प्लीज़ डेली ब्लॉग बनाना, ओके थैंक यू सो मच। दी आपकी शॉप झोटवाड़ा में कहाँ पर है और किस नाम से है प्लीज़ बताना। तो अगर आप लोगों ने वो इससे जो मतलब पहले वाले ब्लॉग्स अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने प्रॉपर दिया था एड्रेस बताया था, और वैसे मैं मतलब आपको वैसे ही बता देती हूँ, तो ये झोटवाड़ा में खातीपुरा पुलिया से पहले ही है यूनिक कलेक्शन, उसके जस्ट पास में है HP का पेट्रोल पम्प, तो वो है हमारी शॉप। और एक है होम टूर करवाओ प्लीज़, ज़रूर करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। जीजा आप जोधपुर कब आओगे, मुझे मिलना है आपसे, निक्कू सिंह ने लिखा है, तो पक्का मतलब जल्दी आऊँगी, सोच तो मैंने भी रखा है जल्दी आने का। और इस शॉप से हमने भी अभी लास्ट मंथ मेरी बेटी के लिए जॉगर्स और कैप ली थी, तभी फर्स्ट टाइम गई थी शॉप पे, ओके। ब्राउन वाली पोशाक आपने कहाँ से ली? मैंने बताया वो मैंने झोटवाड़ा से ली, बट मे बी अब नहीं मिले, वो तो ऑर्डर से ही बनवानी पड़ेगी। और हाँ
एक ने लिखा है, जीजा आप मुड़ीपुरा साइड रहते हो क्या? क्योंकि मैं कल से ही आपका चैनल देखना स्टार्ट किया और मुझे इंटरेस्ट आया, बिल्कुल भाई साहब। और प्राची सैनी ने लिखा है ये, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा चैनल देखा। जीजा हुकम, आपके भैया क्या काम करते हैं? ये कमेंट बहुत आए, बहुत ज़्यादा दी। अच्छा, एक कमेंट था कि अभी आपने जो शॉर्ट वीडियो में 3 वीडियो डाले हैं वो कहाँ के हैं? हाँ, तो ये जो वीडियोस मैंने डाले थे वो हमारी प्री वेडिंग के वीडियोस हैं। उस वाली फ़ोटो में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वो हमारी प्री वेडिंग के वीडियोस थे, मेरे पास पड़े थे तो मैंने पोस्ट कर दिए। भगवती सैन ने लिखा है, रब्बा बख्शिया तू इन्नी मेहरबानियाँ हो, तो कुछ नहीं मंगता बस तेरा शुक्र अदा करदा, थू 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 नजर ना लगे आपकी जोड़ी को, गॉड ब्लेस यू दी। थैंक यू सो मच। आपका स्किन केयर रूटीन बताओ जी जा। अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ और फिर भी स्किन इतनी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं, बस मतलब मैं मॉर्निंग में जब नहाती हूँ तब सेटाफिल फेस वॉश यूज़ करती हूँ और फिर सेटाफिल का ही मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मतलब मैं नाइट में भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती, बस मैं एक टाइम यूज़ करती हूँ, वैसे करना चाहिए नाइट में बट मैं नहीं करती हूँ। बस आप लोग प्रोडक्ट पूछोगे तो मैं बता देती हूँ कि मैं सेटाफिल यूज़ करती हूँ। हेलो दी, नाइस व्लॉग्स, मैं डेगाना से हूँ, आप आओगे डेगाना तब मिलेंगे। ओके भाई साहब, ज़रूर मिलेंगे, मेरा ननिहाल डेगाना के पास ही है तो जब भी आएंगे पक्का मिलेंगे। मनीषा कंवर ने लिखा है, जीजा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो गया है, आगे क्या करना होगा प्लीज़ बताओ, ये एड्स लगाओ ये क्या प्रोसेस है? तो जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में यूट्यूब आपके चैनल का रिव्यू करता है, उसमें आपको सेटिंग्स में अगर आपने YT स्टूडियो डाल रखा होता है तो मतलब उसमें ही पता लगता है कि आपका 4000 वॉच आवर पूरा हो गया है। तो उसमें मतलब वो यूट्यूब आपके चैनल का रिव्यू करता है एंड रिव्यू के बाद में फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू मिलती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी मेल ID सही डालना, गलत मत डालना। क्या डांस दीवाना? अच्छा हाँ, एक सेकेंड। नाइस जीजा हुकम, ब्लॉग में अपने भाई और पापा, तो ये सब था। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ एक ही ब्लॉग के कमेंट पढ़े, 2 ब्लॉग के कमेंट्स मैं अगले ब्लॉग में रीड करूँ क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। हाँ बताओ अब क्या डांस दीवाने में वोट करना है? जियो सिनेमा ऐप पे जाके डांस दीवाने में चैनवीर सिंह जाड़ी को वोट कीजिए। चैनवीर सिंह। तो एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, डांस दीवाने अगर आप लोग देखते हो तो जियो सिनेमा पर जाके चैनवीर सिंह झाड़ली को जरूर वोट कीजिएगा। ये हमारी मेरी नानेर सास वाली फैमिली में है तो प्लीज़ इनके लिए वोट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।